हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा ग्रेविटास के बारे में। टाटा ने अपनी शानदार प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी को ऑटो एक्सपो में पेश कर दिया है। और दोस्तों, ये नए आने वाली एसयूवी टाटा ग्रेविटास है, वो आपको टाटा हैरियर पर ही बेस रहने वाली है। इस कार को हम टाटा हैरियर का 6 सीटर या 7 सीटर वर्जन भी कह सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी कार के बारे में बात करने वाले हैं। ये नई आने वाली ग्रेविटास में आपको कौन से इंजन मिलने वाले हैं, क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, इस कार में कौन से सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे, तो इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और जो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे भी ऐसी नई नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब अगर फ्रेंड बात करते हैं इस कार के बारे में, तो ये नई आने वाली टाटा की प्रीमियम एसयूवी ग्रेविटास में आपको 6 सीटर या 7 सीटर दोनों के ऑप्शन मिला करेंगे। इस कार में आपको 6 सीटर में 2+2+2 सीटिंग लेआउट मिलेगी और इसके 7 सीटर में आपको 2+3+2 सीटिंग लेआउट मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, इस कार के साथ आपको 2.0 लीटर BS6 कंप्लाइंट डीजल इंजन मिलने वाला है, जिसमें आपको 170 BSP तक का पावर जनरेट करेगा। इसके अलावा इस इंजन के साथ आपको 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटो ट्रांसमिशन के ऑप्शन दिए जाएंगे। अब अगर फ्रेंड आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके एक्सटीरियर की, तो इसके एक्सटीरियर के लुक काफ़ी शानदार और प्रीमियम होने वाले हैं। इसके एक्सटीरियर में आपको न्यू डिज़ाइन मैट फिनिश ग्रिल मिलने वाली है, जिसमें आपको टाटा की बैकिंग मिलने वाली है। इसमें आपको न्यू वाले प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी DRLs मिलने वाली है। नीचे आपको फॉग लैम्प मिलने वाले हैं, ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर मिलने वाला है। इसके अलावा इसमें आपको न्यू वाला बम्पर भी मिलने वाला है। ऊपर आपको सरफेस एंटीना मिल जाएगा। रियर में आपको LED में टेल लैम्प, डिफोगर ग्लास एंड वॉशर वाइपर। इसके अलावा नीचे आपको बड़ी सी ग्रेविटास की बैकिंग मिलने वाली है। ओवरऑल देखें तो फ्रेंड्स, इसके एक्सटीरियर के लुक काफ़ी प्रीमियम लगने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसके एक्सटीरियर में आपको R18 इंच के न्यू वाले एलो व्हील भी मिलने वाले हैं। अब अगर फ्रेंड थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंटीरियर के बारे में, तो इसके इंटीरियर में आपको न्यू डिज़ाइन डैशबोर्ड मिलने वाला है, जिसमें आपको ब्लैक एंड बीज कलर की थीम ऑप्शन मिलने वाले। इसके इंटीरियर में आपको 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है, जो सपोर्ट करेगा एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, FM, USB एंड ऑक्सिलरी जैसे शानदार फीचर्स को। इसके अलावा इसके म्यूजिक प्लेयर के साथ आपको JBL के स्पीकर भी मिलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसके इंटीरियर में आपको पुश स्टार्ट टॉप बटन, ऑटो क्लाइमेट AC, सीट हाई एडजस्टेबल, रियर AC वेंट्स, कप होल्डर, वायरलेस चार्जर, कूल ग्लो बॉक्स, ऑल स्टेयरिंग कल्टोर, टील एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग, MID डिस्प्ले एंड पैरानामिक सनरूफ जैसे शानदार फीचर्स इसके इंटीरियर में आपको मिलने वाला है। इसके अलावा सेफ्टी की बात करते हैं, तो इस कार में आपको सेफ्टी के सारे फीचर्स मिला करेंगे। इस कार में आपको ऑल एयरबैग, ABS विद EBD, ब्रेक आसिस, सीट बेल्ट रिमाइंडर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, हाई स्पीड अलर्ट, सीट बेल्ट प्री टेंशनर एंड फोर्स लिमिटर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट, हिल हुल कंट्रोल, ऑटो डोर अनलॉक, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे सारे सेफ्टी के शानदार फीचर्स इस कार में आपको मिलने वाले हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं इस कार के प्राइस रेंज की, तो ये कार की प्राइस आपको 15 लाख से शुरू होकर 20 लाख तक इस कार की प्राइस रेंज जा सकती है। और बात करें इस कार के लॉन्च डेट की, तो इस कार को मार्च या अप्रैल तक इस कार को इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।